नामांकन रद्द होने के बाद प्रकाश बजाज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश बजाज को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा और इस मुद्दे पर प्रकाश बजाज ने R9 टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा प्रकाश बजाज ने, सुनिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो सियासी संग्राम चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, उस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रकाश बजाज जी हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट से आपको काफी उम्मीदें थी लेकिन राहत नहीं मिली, तो अब आप क्या करने वाले हैं, क्या हाई कोर्ट जाएंगे और आप किस तरीके से निराशा आपको मिली? डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में हमने फाइल किया था एप्लीकेशन ताकि इसका संज्ञान तुरंत से तुरंत लिया जाए, बिकॉज आज 3 बजे तक ही विड्रॉल का प्रोसेस है, उसके बाद यूनैनिमस डिक्लेयर हो जाएंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने हमको गाइड किया कि आप हाई कोर्ट जाइए, अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, तो आप हाई कोर्ट जाके वहां पे अपना रेमेडी आप अवेल कीजिए। मैं निराश नहीं हूं, निराश तब होता जब मुझे कहीं से भी रेमेडी नहीं मिलती। अभी भी हाई कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खुला हुआ है, तो डेफिनेटली आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इलेक्शन कमीशन को भी और प्राइम मिनिस्टर जी को और चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश को भी कि इसका तुरंत संज्ञान ले और हमें जस्टिस दिलाएं। बिकॉज मैं सिर्फ ये सोच के आया था कि यूथ हूं, मैं काफी प्रभावित था जब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि यूथ को आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्चा खारिज हुआ उसकी वजह बताई जा रही है कि नाम गलत था, तो क्या ये साजिश है या ऐसा कुछ हुआ था, इस पर आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली ये साजिश है। फर्स्ट ऑफ ऑल साजिश ऐसे है कि हमने 2 सेट ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म दिया था जिसमें 1 सेट ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म तो रिटर्निंग ऑफिसर ने गायब ही कर दिया, उन्होंने बोला हमने दिया नहीं, जबकि हमने एविडेंट्री प्रूफ भी दिया है कि हमने आपको दिया था। सेकेंड पॉइंट जो होता है कि नाम की जो हमारे प्रपोजर का नाम था वो बोल रहे हैं वो गलत था, तो जो फॉर्म गायब किया गया उसमें सही नाम था उसका भी एविडेंस हमने दिया है, और जो गलत फॉर्म बोल रहे हैं उसका भी हमने जस्टिफिकेशन उनको दिया था कि सिर्फ यदि प्रपोजर का नाम बाय मिस्टेक गलत लिखा जाता है तो वो बेस नहीं हो सकता नॉमिनेशन कैंसिलेशन का, बिकॉज हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का भी रेफरेंस दिया था जो उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला ही नहीं कि ये आप जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, बिकॉज उनका मोटिव पहले से ही क्लियर था। तो ये बेसिकली है, और हम चाहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस जो हर इंसान, हर यूथ, हर सिटीजन ऑफ इंडिया के मन में ये रहता है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो फेयर प्रोसेस परफॉर्म करती है, तो आज हम एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो ये यूज किया जाएगा बाकी के आने वाले फ्यूचर में, जो हर्ट करेगा यूथ के सेंटिमेंट्स को, और डेफिनेटली पीपल विल हेजिटेट कमिंग इनटू द पॉलिटिक्स। तो आप प्रकाश बजाज जी को सुन रहे थे जिनका साफ कहना है कि मैं निराश नहीं हूं और मुझे यकीन है कि जो मुझे इंसाफ मिलेगा और जो मेरी याचिका उसको सुना जाएगा। तो दिल्ली से कैमरामैन अमित के साथ फराह खान, R9 TV, उत्तर प्रदेश।